जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बयानों के तरकश में बुलडोजर एक्शन की चर्चा है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाहर के लोग जम्मू कश्मीर चला रहे हैं, यहां के लोगों से उनका लोकतंत्र छीन लिया गया है। तीसरे चरण के प्रचार के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने वाले हैं। सवाल है कि जम्मू कश्मीर में योगी की एंट्री से विपक्ष में हलचल क्यों तेज हो गई है, योगी के प्रचार से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है और आज योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कौन होगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर महबूबा मुफ्ती। आज करेंगे इसी पर टू दी पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। जम्मू कश्मीर में दो चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। तीसरे चरण के लिए बीजेपी भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू रीजन में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एक ही दिन में तीन जनसभाएं करके वो शाम को लखनऊ लौट आएंगे। तो वहीं अमित शाह भी आज चार रैलियों को संबोधित करेंगे और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में दो रैलियों को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। सवाल यह कि राहुल गांधी के बाहरी लोग वाले बयान के मायने क्या है? योगी के जाने से चुनाव में बड़ा फायदा होगा। योगी के आने से पहले ही विपक्ष में बुलडोजर को लेकर खलबली क्यों है? सवाल यह भी कि बीजेपी का घाटी से ज्यादा जम्मू पर फोकस क्यों? करेंगे आज इसी पर टू दी पॉइंट बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं विजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, शौकत चौधरी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे पीडीपी के प्रवक्ता, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट अमित रैना, संदीप वजीर भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता। मैं सबसे पहले विजय शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूं। महबूबा मुफ्ती का बयान आपने देखा, सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पहले कहा जा रहा है कि वो जाकर अपना यूपी संभालें। अयोध्या की सीट पर तो प्रभु श्री राम ने बुलडोजर चला दिया, यहां क्या करने आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या घंटी बजाने आ रहे हैं यहां पर? ये महबूबा मुफ्ती का बयान है। देखिए प्रत्युत जी, महबूबा जी की जो जहरीली भाषा है वो सारा देश जानता है। उन्होंने किस तरह से अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम किया है और वो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां की जनता ने जिस तरह से 57% और 58% वोटिंग से तमाचा मारा है, वो ये तीनों परिवार जो है वो तिल मिला गए हैं। उनको बड़ी जबरदस्त वो हो रखी है कि उनका जो भ्रष्टाचार है वो आगे नहीं चलेगा। उनके परिवारवाद से आगे प्रदेश निकल चुका है और जो इनका प्रदेश के अंदर रुतबा था वो खत्म हो चुका है। जो प्रदेश है उसने ठान लिया, वहां के नौजवान ने, युवा ने, नारी ने, वहां के बकरवाल ने, गुज्जर ने और पहाड़ी ने और जो वहां के विजय शर्मा जी, योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा विपक्ष के निशाने पर क्यों आ गए? क्योंकि वो एक सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और अपना सनातन को बढ़ाने की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से नोएडा में मोबाइल फैक्ट्री का हब बन गया उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उनको चिढ़ मचती है क्योंकि आप देखिए उनका मैनिफेस्टो इनका उठा के देखिए, एनसी का, कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार जी को वहां उतारते हैं। एलान उमर जो है उसका नजरिया क्या है, अमरीका में उनके साथ ये मीटिंग में मंच साझा करते हैं। तो इनकी जो नजरिया है वो साफ है, हम देश को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। चलिए हमारे साथ शौकत चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पीडीपी के प्रवक्ता। शौकत चौधरी जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो खैर आज जा रहे हैं, तीन जनसभाएं उनको करनी है, लेकिन उससे पहले ही कैसे
उनकी चर्चा और उनके बुलडोजर की चर्चा काफी पहले से होने लगी थी, एक बार सुन लेते हैं। अयोध्या के मंदिर में जहां श्री राम रहते हैं वहां पर एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और वो जो बुलडोजर बाबा है जो अब आएंगे यहाँ पर बुलडोजर की कहानी सुनाने के लिए, लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती को ये पता चल गया है कि जम्मू कश्मीर में दाल गलने वाली नहीं है, हताशा में अब यूपी को लेकर बयान दे रही है। हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो आपात हमसे छुपी हुई नहीं है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। शौकत चौधरी जी, मतलब विपक्ष के इतने ज्यादा फेवरेट हो गए योगी आदित्यनाथ कि उनके आने से पहले ही उन पर इतने सारे बयान आते हैं। नहीं देखिए, दो तरीके से कोई भी शख्स है वो दो तरीके से फेमस होता है, या तो वो पॉजिटिव इन पॉलिटिक्स की बात करें तो या तो वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता है, उसके अच्छे काम होते हैं तो उसकी शख्सियत जो है वो एक फेमस पर्सनैलिटी होता है, और एक होता है जिसकी नेगेटिव पॉलिटिक्स हो और जिसके खराब छवि हो और उसका पूरा जो इमेज जो है उस लेवल का हो। योगी आदित्यनाथ उनमें से एक हैं। अगर इंसाफ की बात करें तो जैसे जहां पर इंसाफ करने की बात आती है वहां पर इंसाफ नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी हो कम्युनल। योगी आदित्यनाथ के आने से जम्मू कश्मीर में विपक्ष का खेल बिगड़ जाएगा, इसको लेकर कहीं अंदर भय तो नहीं है? नहीं, योगी आदित्यनाथ की इमेज जो है वो एक कम्युनल पॉलिटिशियन की है, एक फिरका प्रस्त पॉलिटिशियन की है, और जम्मू में उनका कोई असर नहीं है। जम्मू में सिर्फ ये असर पड़ सकता है कि वो आके लोगों को डिवाइड करें मजहब के नाम पर और एक कम्युनल बात यहां करें जिससे लोगों में अफरा तफरी हो, तो वो एक इमेज है उनकी, उसी पर जो है वो हमने बात रखी है। बाकी योगी आदित्यनाथ के कहने पर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अपनी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो योगी आदित्यनाथ के आने से आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा तो किसको फायदा होगा? नहीं, जाहिर सी बात है वो तो बीजेपी की कंपेन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो तो पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन का जो काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो मतलब माने ही मतलब आप पीडीपी, तो पीडीपी ये मान रही है कि बीजेपी का फॉर्मूला हिट होगा जम्मू कश्मीर के चुनाव में? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो जम्मू में अगर पोलराइजेशन नहीं भी करेंगे तो भी जहां से बीजेपी को सीट्स मिलनी है वो तो मिलनी है, वो बिना योगी आदित्यनाथ के भी मिलनी है, तो उसका फायदा अगर वो पहुंचाना चाहते हैं तो ठीक है, वो बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में इसी चीज का फायदा लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खास करके जम्मू प्रोविंस के लोगों ने जो पिछले 5 साल में देखा है, वो अब योगी आदित्यनाथ की बात पर जो है वो यकीन नहीं कर सकते हैं, वो अपनी किस्मत का फैसला जो है सोच समझ के करेंगे। ठीक है। शौकत चौधरी जी, आप रुकिएगा जरा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक और बयान दिया है और वो बयान ऐसा है कि उस बयान को अगर कोई सुन ले तो फिर वो अनुमान लगाए कि इस बयान के आखिर मायने क्या हैं। जरा महबूबा मुफ्ती का ताजा बयान सुनाइए। जो कश्मीर में पार्लियामेंट से पॉलिटिक्स चलाई है बीजेपी ने, जिन लोगों को वो जिताने में मदद करती है, उनको फंड्स देती है, पैसा देती है और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए साथ देती है, उन लोगों के रैलीज में प्लेबिसिट आजादी के नारे लगते हैं, तो कांग्रेस ने एक बिंद्रे वाला पैदा किया था, ये तो कई बिंद्रे वाले पैदा कर रहे हैं कश्मीर में। पहले ही कश्मीर के हालात आपको मालूम है कैसे हैं। शौकत चौधरी, इस बयान के क्या मायने हैं कि कांग्रेस ने तो एक बिंद्रे वाला पैदा किया था, ये बीजेपी की हुकूमत ना जाने कितने बिंद्रे वाला को पैदा कर देगी, इसके क्या मायने हैं?
नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने हर वो तरीका आजमाया है जिससे जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को डिवाइड किया जाए और अपने आप को यहाँ पर जो है वो कश्मीर वैली में कहीं थोड़ी सी स्पेस जो है वो मिल जाए, लेकिन ऐसा है नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद नहीं नहीं मुझे स्पेसिफिकली इसी बयान पर आप जवाब दीजिए। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है कि कांग्रेस ने एक भिंडरेवाला पैदा किया, बीजेपी की हुकूमत ना जाने कितने भिंडरेवाला पैदा कर देंगी, यही पीडीपी और यही महबूबा मुफ्ती है ना जिन्होंने कहा था कि अगर 370 और 35 को हाथ लगाया तो कोई तिरंगा थामने वाला नहीं होगा। बीजेपी ने यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बना के विजय शर्मा जी बयानों किस आग में जम्मू कश्मीर को कौन झुलसा रहा है? मृत्यु जी आग में ये झुलसा रहे। इन्होंने अभी कहा कि हमारे योगी जी जो है वो सांप्रदायिकता की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए शंकराचार्य पर्वत का नाम कौन बदलना चाहता है? ये क्यों बदलना चाहते हैं शंकराचार्य का? हरि पर्वत का नाम कौन बदलना चाहता है? आप पाकिस्तान के साथ बात क्यों करना चाहते हो? क्यों ट्रेड की बातें करते हो ताकि वहां अलगाववादियों के वहां विस्फोटक आ सके? आप किस तरह से बात करते हो 370 बहाली की जो उनके हाथों छीनते हैं? तो आप मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए। अलगाववादी सोच आपकी है, जैविक सोच आपकी है। आपने उग्रवाद को वो पनपाने का काम किया है जो दशकों तक हमारे नौजवानों ने वहां झेला है, महिलाओं ने झेला है, बुजुर्गों ने झेला है, बकरवालों ने झेला है, गुजरों ने झेला है, कश्मीरी पंडितों ने झेला है। तो आप ऐसी भाषा से बात करते हो? आप अलगाववादियों की बात करते हो, उनको छोड़ने की बात करते हो? तो आतंकवाद दोबारा लाना चाहते हो? तो आपका परिवार मैं प्रियंका गुप्ता जी और अमित रैना जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन संदीप वजीर मैं आपके पास आना चाहूंगा। संदीप वजीर जी, आपने सुना अभी महबूबा मुफ्ती का ताजा बयान, कांग्रेस ने एक भिंडरेवाला पैदा किया, बीजेपी की हुकूमत न जाने कितने भिंडरेवाला पैदा कर देगी, कौन आग लगा रहा जम्मू कश्मीर में? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। संदीप वजीर जी अनम्यूट कीजिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं इसका जवाब प्रियंका गुप्ता आपसे चाहूंगा। कौन जम्मू कश्मीर को इस आग में झोंकना चाह रहा है? भिंडरे वाला की चर्चा क्यों कर रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए मुझे लगता है कि जहां तक मैं बात करूंगी आदरणीय आदित्यनाथ जी की, योगी जी की जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कार्यकाल में उनका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा है कि वो 62 से 36 सीटों पर आ गए और उसके बाद उनके साथ साथ मंत्री हार गए। आज भी अगर मैं कहूं तो रोजगार के नाम पर उनके पास दिखाने को ये है कि वो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसराइल भेज रहे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। तो आप बताइए ना, इन्होंने गड्ढे भरने की डेट से लेके चीनी के भुगतान की जो भी डेट बताई आज तक वो पूरी नहीं हो पाई। लोग ढूंढ रहे हैं वो गड्ढे तो और बड़े हो गए, अब कैसे भरिएगा? अभी फिर 15 दिन का टाइम दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज योगी जी जाएंगे तो बताएंगे ना कितने उन्होंने जो है अपने 10 साल के जो यूनियन टेरिटरी बनाई उस 10 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया उन्होंने, कितने लोगों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश ऐसे रोल मॉडल उन्हें दिखाना पड़ेगा। पर उत्तर प्रदेश पर लगातार जिस तरह से पेपर लीक होता चला आया, और रही बात आतंकवाद की, तो आतंकवाद का दंश कांग्रेस परिवार ने झेला, आदरणीय इंदिरा गांधी जी उसी आतंकवाद का जो है निशाना बना, उसके लिए पूरा देश जानता है। मुझे नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती जी से पूछने की जरूरत है या बताने की जरूरत है। पर आज कश्मीर की जनता ये पूछ रही है कि उसका स्टेटहुड छीना क्यों? आज अगर राहुल गांधी जी जाते हैं तो क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि जो सेब का किसान है उसको सेब उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो अडानी जी एक्सपोर्ट करेंगे पर कोई और नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि वहां की जनता को ठगा गया और वहां भ्रष्टाचार जो सत्य प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के लोगों से उनका लोकतंत्र छीन लिया गया, जम्मू कश्मीर को यहाँ के नहीं बाहरी लोग चला रहे हैं। जरा वो बयान सुन लेते हैं फिर सवाल पर आते हैं। पहले वो बयान सुन लेते हैं उसके बाद सवाल पर आते हैं। बयान चलाइएगा। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो, आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर
होते हैं ब्यूरोक्रेट्स चलाए। Z News.